तब रामू चीता एक बड़ी सेना साथ लेकर बंटी बाघ के जंगल की ओर निकल पड़ता है। सुनो रामू चीता, हमें उन बाघों को कम संख्या में करना होगा, उसके बाद हम बंटी के जंगल पर हमला करेंगे। कुछ बाघ हर रोज अपने जंगल से बाहर टहलने के लिए निकलते हैं, हमें रोज उन्हें जंगल से बाहर मारना होगा। तब बघीरा और रामू छिपकर बंटी के जंगल की बाहर से निगरानी करते हैं। शाम के समय कुछ बाघों का झुंड बाहर निकलता है। रामू के कुछ सिपाही जाकर उनको मार डालते हैं। ऐसे ही कई दिनों में रामू और बघीरा बहुत से बाघों को जान से मार डालते हैं। बेटा बघीरा, अब वक्त आ गया है जंगल पर हमला करने का। आज ही हम जंगल पर हमला करेंगे।